दोस्तों, बहुत ज्यादा शोक की बात है कि हमारे भारत के सबसे ज्यादा राजनीति के अंदर अनुभव रखने वाले श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि माननीय मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। हम आपको बता दें दोस्तों, 22 अगस्त से ही नेताजी का इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों, ये दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा शोक की बात है कि हमारे भारत देश के एक ऐसे नेता जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान था राजनीति का, इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की जो विपरीत पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी स्थापना की थी। तो इस पर दोस्तों खेसारी लाल यादव ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है। तो नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने दोस्तों अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको पढ़कर बताते हैं। उन्होंने लिखा है दोस्तों, आदरणीय मुलायम सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, मन बेहद दुखी है, उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस बात में पूरी सच्चाई है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कमी कभी भी कोई नहीं पूरी कर सकता। हमारे राजनीति के सबसे ज्यादा अनुभवी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ही थे, जिनका आज निधन हो चुका है। खेसारी लाल यादव ने दोस्तों आगे लिखा है, उनसा न कोई था न कोई होगा। इस बात में भी दोस्तों पूरी सच्चाई है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक गांव से लेकर एक बड़ी पार्टी की स्थापना तक का सफर तय किया था। दोस्तों, यह आसान काम नहीं था। खेसारी लाल यादव ने आगे लिखा, दोस्तों भगवान उनके पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों खेसारी लाल यादव ने माननीय नेताजी की एक फोटो को भी अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है, जिसको आप देख सकते हैं। हमारी तरफ से माननीय नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।